सॉरी लेट ज्वाइनिंग हुई थी कि 10 मिनट लेट हो गया। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक प्लीज? कल हमने पढ़ लिया था, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल हमने नाउन पढ़ लिए थे, याद है आप लोगों को? ठीक है, कल हमने जो नाउन पढ़ लिया था, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनीथिंग, की बात जो थी कल हमने पढ़ ली थी। यस, आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नाउन के बाद है, ठीक है, व्हाट इज प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन क्या चीज है। ये भी हमने, आमीन, आपको याद होगा कि हमने नाउन की बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए थे। प्रॉपर नाउन पढ़ लिए थे, जो हमने ये कहा था कि ये इट इज द प्रॉपर नेम, इट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन एनीथिंग एटसेट्रा। फिर इसके बाद हमने कॉमन नाउन पढ़ लिए थे, हमने ये पढ़ लिया था द कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ आमी इज द नेम गिवन इन जनरल टू ऑल थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। एक ही क्लास से ताल्लुक रखने वाली चीजों को हम जो फॉर एग्जाम्पल नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ लिए थे, कलेक्टिव नाउन मीन्स, ठीक है, वो नाउन जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है, द नाउन्स, ठीक है, विच यू कैनॉट सी, विच यू कैनॉट टच, बट यू सिंपली कैन फील इट, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो, सो दैट इज वाइज कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आ गया बात समझ में? आज जो है, ठीक है, टुडे लेसन इज, आज का लेसन जो है, ठीक है, वो बिल्कुल आई मीन नाउन के साथ है। अगर आपको नाउन की समझ आ गई है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको प्रोनाउन की भी समझ आ जाएगा। अगर आपको नाउन की समझ आ गई है तो इट मीन्स इंशाल्लाह कि आपको प्रोनाउन की भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। थोड़ी सी बातें ऐसी है, ठीक है, जो आप इब्तिदा में ग्रामर में पढ़ कर आए हो, लेकिन शायद कुछ चीज ऐसी होगी जो आपके लिए नई साबित हो जाएगी, लेकिन ये कि बहुत आसान होगी, क्लियर। अब देखिएगा, यानी द नाउन, इफ यू लुक एट दीज एग्जाम्पल, आप इन एग्जाम्पल्स को जरा देखिएगा, लुक एट दीज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लुक एट दीज एग्जाम्पल, अहमद स्पीक्स द ट्रुथ, यस, यानी अहमद स्पीक्स द ट्रुथ, यानी अहमद सच बोलता है, अहमद स्पीक्स द ट्रुथ। ये यहाँ पर देखिएगा, अहमद नाउन है, स्पीक्स वर्ब है, द ट्रुथ जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अहमद सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, द ट्रुथ जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो, देखें इस अहमद की जगह हमने सेकंड सेंटेंस में क्या लगाया हुआ, ही लगाया हुआ, ही स्पीक्स द ट्रुथ, क्लियर हुए। अनदर सेंटेंस देखिएगा, साइमा वॉशिज द क्लोथ्स, क्लियर, साइमा सब्जेक्ट है, वॉशिज वर्ब है, द क्लोथ्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में शी वॉशिज द क्लोथ्स, यानी साइमा की जगह हमने क्या लगा लिया, शी लगा लिया, क्लियर, ठीक है, यानी साइमा की जगह हमने क्या लगा लिया, हमने शी लगा लिया, शी वॉशिज, क्लियर। अनदर सेंटेंस, सलीम एंड अहमद कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्लियर। यहाँ पर सलीम एंड सब्जेक्ट दो बंदे हैं, इसकी जगह हमने लगा लिया दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, क्लियर। तो ये ग्रीन कलर में जो आपको वर्ड नजर आ रहे हैं, द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन, यानी जो लफ्ज किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ी बहुत समझ आ गई, क्लियर। यानी नाउन तो किसी चीज का नाम है, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन तो किसी चीज का नाम कहलाता है, क्लियर। मतलब अहमद स्पीक्स द ट्रुथ, अहमद सच बोलता है, क्लियर। अब देखिएगा, इसी सेंटेंस को मैंने इस तरह कर दिया, ही स्पीक्स द ट्रुथ, यानी वो सच बोलता है, यानी अहमद की जगह मैंने क्या लगा लिया, ही लगा लिया, इट मीन्स कि ही क्या है, ही प्रोनाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। अनदर एग्जांपल देखिएगा, साइमा वॉशिज द क्लोथ्स, क्लियर, यानी साइमा नाउन है, क्लियर, इसकी जगह मैंने क्या लगा लिया, शी वॉशिज द क्लोथ, यानी शी इज द प्रोनाउन, शी इज द प्रोनाउन। Another sentence dekhega, Salim and Ahmed complete the project. Salim and Ahmed complete the project. Clear hai? Ab dekho, Salim aur Ahmed do hai. So is wajah se dono ke liye humne kya laga liya? They complete the project. Yani they complete the project. They kya hai? Yani they jo hai ye kya hai? Ye pronoun hai. So the word used instead of a noun is called pronoun. Yani jo lafz noun ki jagah istemal ho jaye usko hum kya kehte hain? Pronoun kehte hain. That is why, yani I, we, you, they, he and she are called pronouns. ये सारे क्या कहलाते हैं? Pronoun. Because they represents person.
ये पर्स किसी पर्सन की जगह लिखे जा सकते लिखते हैं, इस वजह से हम इसको प्रोनाउन कहते हैं। हमेशा याद रखना इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। यानी हम अगर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। हम इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, क्यों? बिकॉज द पर्सन, सॉरी, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द पर्सन, इसलिए कि ये किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं। मेरी बात समझ आ गए? यहाँ समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है। अगर आपको, आप उस वक्त आपको पर्सन का पता ना हो कि पर्सन क्या होते हैं, यानी प्रोनाउन क्या होते हैं, समझ आ गया बात? ठीक है, तो फिर उस वक्त आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। समझ आ गया बात? ठीक है, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी आर कॉल्ड, इसके अलावा एक और भी लगा लीजिए यहाँ पर, इट, इट और कॉल प्रोनाउन, इनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम पर्सनल प्रोनाउन। हम इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। द पर्सन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये जो पर्सन्स होते हैं ये कितने टाइप्स के हैं? थ्री टाइप्स के हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके थ्री टाइप्स पढ़ लें, आप पहले प्लीज इस प्रोनाउन को एक दफा रिपीट कीजिएगा ताकि आपको सही समझ आ सके। फिर इसके बाद जो है ना आने वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा, है नहीं मुश्किल, लेकिन इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी बात है। प्लीज आप एक दफा इसको रिवाइज कीजिएगा। यस, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? अब देखिएगा, ये कहते हैं द पर्सन्स आर या द प्रोनाउन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन टाइप्स का होते हैं। नंबर वन, फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। ये जो आई है और वी है, इनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। आई और वी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। थोड़ी बहुत समझ आ रही है? क्लियर? यानी याद रखना, ये देखिए जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त याद होना चाहिए, क्योंकि ये वहां पर भी काम आते हैं। यानी आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है? एक है आई है और दूसरा क्या है? वी है। आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। आई और वी क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, यानी आई और वी जो है वो यानी क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है? यू इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, दे आर कॉल्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ये जो ही है, शी है या दे है, इसको हम क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन कहते हैं। यार इसको ऐसा तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसा तुम्हें याद होना चाहिए कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन पढ़ेंगे तो उस वक्त आपके लिए बहुत आसान है। प्लीज इसको दो मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा, माइंड में बता लीजिएगा ताकि हमेशा आपको याद हो। ठीक है, जी प्लीज समझ आ रहे हैं आपको? क्लियर? अब देखिएगा, यस, ठीक है, इट को जो है ना हम थर्ड पर्सन कह सकते हैं बिकॉज ये सिंगुलर है। इस पर मैंने डिटेल आगे बात लिखी हुई है, लेकिन इट जो है, इट इज इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या है? इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यहां पर मैंने इसलिए लिख लिया कि चूंकि अब यहां पर हम सिर्फ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, सो इस वजह से अदरवाइज इट्स जो है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, ये थर्ड पर्सन नहीं है। समझ, थर्ड पर्सन में हमेशा ही, शी, दे और कोई नेम ये शामिल है। इट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर? ऑल्दो के जितने भी आप ग्रामर की किताबें देखेंगे तो वहां पर आपको इट भी थर्ड पर्सन में नजर आता है, लेकिन वो इसलिए उसको लिखते हैं कि ये सिंगुलर इस्तेमाल होता है। एनीहाउ,
नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये ऐसे क्लियर हो जाएगा, ऐसा क्लियर इंशाल्लाह कि आपको कोई कमी फील नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए, ये जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं इसका तीन तरह का इस्तेमाल होता है। द प्रोनाउंस आर यूज्ड इन थ्री वेज। नंबर वन, हम इसको सब्जेक्टिव यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर थर्ड वन, इसको हम पोजेसिव फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया आपकी बात? ठीक है, यानी हम इसको जो है ना, फॉर एग्जाम्पल थ्री, ठीक है टू पर्सन टॉक अबाउट। क्लियर? ओके, अब देखिएगा, यानी ये जो पर्सन होते हैं इनको हम तीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। समटाइम हम इसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मसलन आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है। ये हमेशा सब्जेक्टिव यूज होते हैं, ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्लियर? और इसके बाद आखिर में आप देख लीजिएगा, जिसको ऑब्जेक्टिव यूज कहते हैं, आई से मी बन जाएगा, वी से अस बन जाएगा, यू यू रहता है, दे से देम बन जाएगा, ही से हिम बन जाएगा, शी से हर बन जाएगा। ये मी, ठीक है, यानी मी, अस, यू, देम, हिम, हर, ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव यूज है, यानी यहां पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होते हैं? ऑब्जेक्ट के तौर पर। लेकिन मैंने सेंटर में ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, ये पोजेसिव शो करते हैं। पोजेसिव का मतलब क्या है? पोजेशन शो करना, यानी ओनरशिप शो करना, किसी चीज की मिल्कियत शो करना। माई, माइन, और योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर्स, ये सारी चीजें इंशाल्लाह तुम्हें क्लियर हो जाएगी। बस सिर्फ याद रखना कि प्रोनाउन जो है वो तीन तरीके से यूज होता है। पहला यूज उसका सब्जेक्टिव यूज है, सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आता है। दूसरा यूज ऑब्जेक्टिव यूज है, यानी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट आता है। तीसरा यूज इसका पोजेसिव यूज है, यानी सेंटेंस में ये एक पोजेशन के तौर पर, मिल्कियत के तौर पर इस्तेमाल होता है। याद है हमने कल पोजेसिव केस पढ़े थे। क्लियर? अब देखिएगा, आगे जाऊं थोड़ा सा, प्लीज यार, यस और नो में जवाब दे। ठीक है, यस जाऊं आगे? यस सर। बोले जी सर, ओके ओके। अच्छा यार, मैं आपके तमाम तर सवालों का बाद में जवाब दूंगा, ठीक है, जो आप चैट में लिखते रहते हो। ठीक है, मेरी ख्वाहिश है यार कि जब आप मुझे यस और नो का बताते हो ना, तो मुझे भी पता होता है कि यार सारे सुन रहे हैं। बिकॉज के ना बोलने की वजह से इंसान की साइकी कहीं और चली जाती है, और वैसे भी ऑनलाइन स्टडीज में तो इंसान की साइकी कहीं दूर चली जाती है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, सो एनीहाउ देखिए जरा, अब हम जाते हैं, देखो बहुत ही जबरदस्त चीज की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, देखिएगा, द पोजेसिव नाउन शोज द पोजेशन और ओनरशिप। याद है मैंने कल आपको बात बताई थी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या शो करते हैं? पोजेशन शो करते हैं। मैंने कल एग्जाम्पल दी थी, हमीद्स कार, माई फादर्स कार, याद है आप लोगों को, यानी पोजेशन, यानी ओनरशिप शो करना, मिल्कियत शो करना। द पोजेसिव, ना करे खुरम शहजाद साहब स्लाइड को खराब ना करे प्लीज। द पोजेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन और ओनरशिप, यानी पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है ये किसको शो करते हैं? ओनरशिप को शो करते हैं, यानी मिल्कियत को शो करते हैं, कोई चीज आपकी है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये बात खुद ब खुद आप सामने आती रहेगी। बिकॉज दे आर यूज विद नाउन्स एंड डू द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ये बातें छोड़ दें, ये मैंने लिखी हुई है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो ये खुद समझ आ जाएगी। अब देखिएगा, मसलन अगर मैं कहता हूं दिस इज माई बुक, ये देखो ये माई क्या है? ये प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। माई इज क्वालिफाइंग द मीनिंग ऑफ ए नाउन बुक, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। हमेशा याद रखना, जब भी किसी नाउन से कोई लफ्ज पहले आता है, नाउन से पहले जो भी लफ्ज आता है तो एडजेक्टिव कहलाता है। तो बुक चूंकि नाउन है, तो इससे पहले ये नाउन माई आ गया ना, ठीक है, सो इस वजह से हम इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये वाली बात निकाल लेते हैं, ये समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है, इसको आप इस पर फिलहाल आप ना सोचें, ठीक है। यानी माई क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? दीज आर योर फ्लावर्स। क्लियर? अब देखिएगा, योर क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन, ये यहाँ पर मिल्कियत शो करते हैं। क्लियर? अनदर वन, क्लियर, आप देखिएगा जरा, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज हर हाउस, ये जो देखिए हर क्या है यहाँ पर, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये आमीन इस घर पर मिल्कियत शो कर रही है।
क्लियर। सो हमेशा याद रखना ये जो प्रोनाउन होते हैं दे आर यूज्ड इन थ्री वेज, तीन तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव यूज, जिस तरह आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है। फिर सेकंड वन इसका ऑब्जेक्टिव यूज, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, मतलब मी, अस, यू, देम, हिम, हर। और थर्ड इसका क्या है, पोजेसिव यूज, माई, माई, ओर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर, हर एटसेट्रा। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक दफा प्लीज इसको जो है ना पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद जाते हैं यानी उसकी तरफ, यानी द यूज ऑफ इट की तरफ हम जाते हैं, यूज ऑफ इट की तरफ जाते। मैं इसको एक स्लाइड पर लाता हूँ ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। क्लियर, ये देख लीजिएगा। यस, अब ये आपके पास ये एक स्लाइड में नजर आ रहा है। फिर इसके बाद हम यूज ऑफ इट की तरफ जाते हैं। जो आपने से किसी ने पूछा था कि इट थर्ड पर्सन है, है किसी लिहाज तक है, लेकिन ये प्योर थर्ड फॉर्म नहीं है, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर, यानी आप ये आप जो है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो आपने पढ़ लिया। इसके बाद द यूज ऑफ प्रोनाउंस जो है ना, यानी प्रोनाउन ये तीन तरीके से यूज होते हैं, सब्जेक्टिव यूज, पोजेसिव यूज, ऑब्जेक्टिव यूज। ये ग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद ये मैंने पोजेसिव यूज के जो है ना मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम दिए हुए हैं, ये प्लीज आप पढ़ते जाइए। क्लियर, आप एक मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम एक और स्लाइड की तरफ जाते हैं। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। सो जी प्लीज आप पढ़ लीजिए एक दो एक मिनट के लिए, फिर इसके बाद जो है वी गो टू अनदर स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी सी स्लाइड है, ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं आप सबको? आई होप को आपको इंशाल्लाह समझ आ रहे होंगे, ठीक है। यस प्लीज, अभी देखिएगा जरा, ठीक है, यानी ओके गुड यार, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, अगर आपको समझ आ रहे हैं मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं इट की, बात करते हैं जो आप पूछ रहे थे ना कि इट थर्ड पर्सन है कि नहीं, यह है सही। क्यों हम इसको थर्ड पर्सन कहते हैं? बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सो इस वजह से चूंकि इट जो है, ठीक है, वो भी थर्ड पर्सन में शामिल है, यानी सिंगुलर में यूज होता है, तो इस वजह से इसको थर्ड पर्सन में यूज करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना इट को हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल कहते हैं, इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या है, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल नहीं है। क्यों पर्सनल नहीं, ये बिकॉज ये किसी पर्सन को यू के लिए इस्तेमाल नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, शी है, बिकॉज वो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन, इट को हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्यों, बिकॉज इट इज नॉट यूज फॉर द पर्सन, ये किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होता है, जानवर के लिए, बेजान चीजों के लिए, परिंद के लिए, समझ आ गए? अब आप यहां पर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। देखिएगा, इट इज यूज्ड, इट इज कॉल्ड इम्पर्सनल प्रोनाउन, द यूजेस ऑफ इट, इसकी यूजेस क्या है। नंबर वन, मैंने चार पांच चीज यूजेस लिखे हुए, इट इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। मैंने आपको बात बताया ना, इट किस लिए इस्तेमाल होता है, बेजान चीजों के लिए, हालांकि हम किताबों में यार इसको यूज कर रहे हैं, समझ आ गया आपको बात, ठीक है, जो कि गलत यूज है, हम सोचते नहीं होते, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना इट इज यूज फॉर लाइफलेस थिंग्स, यानी इट इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, बेजान चीजों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर बुक, टेक इट विद इट विद यू, दिस इज योर बुक, ये आपकी किताब है, टेक इट विद यू, अपने साथ ले जाइएगा। यहाँ पर इट जो है किस को रेफर कर रहे हैं, इस किताब को रेफर कर रहे हैं, समझ आ गया आपको बात। क्लियर, दिस इज योर कंप्यूटर, इट वर्क्स बेटर, ये आपका कंप्यूटर है, इट वर्क्स बेटर, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इट है किसको रेफर करते हैं, इस कंप्यूटर की तरह।
दिस इज द बुक, सॉरी हियर इज द बुक, इट इज फॉर यू, ये किताब है आपके लिए है, समझा? ये इट यहाँ किसको रेफर कर रहे हैं, इस बुक को। इन दीज सेंटेंसेस इट स्टैंड्स फॉर द बुक एंड कंप्यूटर, मैंने लिखा हुआ है, ये तीन सेंटेंसेस है यहाँ पर, ये जो इट मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ये किसको रेफर कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, ये बुक और कंप्यूटर, और बुक और कंप्यूटर क्या है, दीज आर द नॉन यूनिक थिंग्स, ये बेजान चीजें हैं, और मैंने आपको पहले ही बात बताई ना, इट इज यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज यूज फॉर द लाइफलेस थिंग्स, इट बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, समझ आ गया आपको बात, ठीक है? अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज माई हाउस या माई होम, इट इज माई होम, क्लियर? नाउ यू सी इट इज, इट इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर किस लिए, आई मीन होम के लिए, होम इज नॉन लिविंग थिंग, समझ आ गया आपको बात, ठीक है? इफ यू से फॉर एग्जाम्पल इट इज योर ऑफिस, इट इज योर ऑफिस, क्लियर? सो यू कैन से यहाँ पर ये इट जो है किस लिए इस्तेमाल है, बेजान चीजों के लिए, आई मीन जहां पर भी नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते होते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड यूज इसका क्या है, इट इज यूज फॉर द एनिमल्स बर्ड्स एटसेट्रा, इट किस लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, गौर से सुनना यार, यहां पर एक दो बातें आपको जो है ना, यानी बहुत गौर से समझने की वाली है, इट इज यूज फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, हम एनिमल और बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखना हम किताबों में क्या कर रहे हैं, ठीक है? यानी ओके यार, जो है ना अहमद हैज रेड हिज हैंड्स, यार क्या कुछ कहना चाहते हो, प्लीज बोलिएगा, ठीक है? अच्छा अब देखिएगा, यानी इट इज यूज फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, समझ आ गया? ये देखो, ये इट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, डॉग के लिए, यार इट स्टैंड्स फॉर द डॉग, क्लियर? द सेकंड एग्जांपल यू कैन से फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेकंड एग्जांपल, दिस हॉर्स, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग, क्लियर? द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग, यहाँ पर इट्स किसके लिए इस्तेमाल होता है, इस हॉर्स के लिए, द जंगल लायन रन्स फास्ट, इट कैन किल यू, क्लियर? सो यहां पर ये जो है देखिएगा, यहां पर जो इट इस्तेमाल हुआ किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इस लाइन को यूज करता है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? यानी इट इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, बर्ड्स के लिए, परिंदों के लिए इस्तेमाल होता है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है? अनदर थिंग इज दैट इट इज यूज फॉर द यंग चाइल्ड अनलेस एंड अंटिल वी clearly wish to refer to the gender. It जो है, मैंने कल आपको ये बात समझाई भी थी, ठीक है, कि हम it इस्तेमाल करते हैं छोटे बच्चों के लिए भी, जब तक आपको पता ना हो कि ये male child है या female child है, फिर भी आप इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो, it इस्तेमाल कर सकते हो, यानी it is used for the young children, I mean for the children, unless you clearly know कि ये male बच्चा है या female बच्चा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज ईटिंग, जब मैंने बच्चे को देखा ये खा रहा था, क्लियर हो गया? नाउ आई मीन यहाँ पर इट जो है किसके लिए स्टैंड कर रहा है, चाइल्ड के लिए स्टैंड कर रहा है, सो इन दिस सेंटेंस आपको ये पता होना चाहिए, ये क्लियर बात नहीं हो रही है कि ये जो बच्चा है जो खाने पीने की बात कर रहा है, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है, तो जब तक आपको किसी बच्चे की मेल फीमेल का नहीं पता हो, उस वक्त भी आप क्या कर सकते हो, किसी यंग बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए आप इट इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर? द चाइल्ड इज वेयरिंग ब्लू ड्रेस, इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, क्लियर? द चाइल्ड इज वेयरिंग द ब्लू ड्रेस, इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, हियर इट्स स्टैंड फॉर द चाइल्ड, मेरी बात आपको समझ आ रही है? यानी इट हम क्या कहां इस्तेमाल करते हैं, यानी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी बच्चे के लिए भी, आई मीन स्मॉल चिल्ड्रन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्लियर? लेकिन उस वक्त जब आपको क्लियर ना हो दैट द बेबी यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ मेल बेबी और फीमेल बेबी, ऐसी सूरत हाल में भी आप इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो, इट इस्तेमाल कर सकते हो, जी समझ आ रहे हैं? यस, ठीक है, ओके,
The fourth use is, इसका fourth use क्या है? Clear? It is used for time, weather and season. हम वक्त के लिए, मौसम के लिए भी it इस्तेमाल करते हैं. It rains, बारिश होती है. It is cloudy, अबरालूद है. It is clear today, साफ है. It is sunny today, it is 10 o'clock. Clear? So यहां पर आप देखिएगा तो जहां मौसम की बात हो रही है, जहां टाइम की बात होती है, ऐसी सूरत हाल में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम it इस्तेमाल करते हैं. याद रखना यार, examiner जरूर एक sentence जो है it के बारे में देता है. एक नंबर बहुत बड़ी बात है यार. 50 और 49 में सिर्फ एक जंप का फर्क है, लेकिन 49 पर रुक जाने वाले फेल हो जाते हैं. क्लियर हो गया आपका? ठीक है. सो थिंक अबाउट इट यार. अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई समझ नहीं आई है यूज ऑफ इट, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. ठीक है, अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो. यस, समझ आ गए? थोड़ा सा तो बोला करना. सर, we are okay, सर. Okay. Point three or four. अच्छा, point two or three की बात कर लो. Yes, okay, दोबारा कर लेते हैं. ठीक है, अब देखिएगा, for example, two or three. Yes, कहते हैं, it is used for animals or birds. It जो है हम जानवर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, birds के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. For example, देखिएगा, he loves his dog. वो अपने कुत्ते से मोहब्बत करता है and cannot do without it. और वो इस कुत्ते के बगैर नहीं रह सकता. यहां पर देखें, यहां पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, and cannot do without dog. यानी यहां पर देखें, and cannot do without dog. यहां पर इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने it लिखा हुआ है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉग को रिप्रेजेंट करता है. मैंने लिखा भी सेंटेंस में, हेयर इट स्टैंड फॉर द डॉग. यानी ऐसा लिखा जा सकता है, लव्स हिज डॉग एंड कैनॉट डू विदाउट डॉग. यानी कुत्ते से मोहब्बत करता है और अपने कुत्ते के बगैर नहीं रह सकता. लेकिन चूंकि किसी सेंटेंस में हम बार बार वर्ड्स को रिपीट नहीं करते होते हैं, सो दैट इज द रीजन क्या होता है. ठीक है, दैट इज द रीजन के इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं. द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक. ठीक है, इट्स लेग. यहां पर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ. चलो ठीक है, बल्कि यही ठीक है. ठीक है, यहां पर इट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? इस हॉर्स को. द जंगल runs fast, it can kill you. Clear? Number third की बात अगर हम करते हैं, कहते हैं it is used for the young child. जब छोटे बच्चे होते हैं, हम उनके लिए भी it इस्तेमाल करते हैं. जब तक आपको clearly पता ना हो कि ये male बच्चा है या female बच्ची है, इससे पहले आप क्या कर सकते हो? आप इसके लिए क्या आप it इस्तेमाल करते हो. When I saw the child, it was eating. जब मैंने बच्चे को देखा, ये खा रहा था. आप ऐसा भी कह सकते हो, जब मैंने बच्ची को देखा तो ये खा रही थी. बिकॉज जब तक आपको क्लियर ना हो, उस वक्त तक आप आमीन बच्चों के लिए जो है ना इट इस्तेमाल कर सकते हो. द बेबी इज इंटेलिजेंट, इट वर्क्स फर्स्ट. दिस चाइल्ड इज वेयरिंग ब्लू ड्रेस, इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल. यस, ये है, दिस इज द यूज ऑफ द इट. मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि यार, इट में से एक नंबर का क्वेश्चन, एक MCQs जरूर आता है. क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, आप इसको प्लीज एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा. फिर इसके बाद जो है ना, इसी प्रोनाउन को मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं और आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउन इतना भी आसान नहीं है. जिस तरह हमने पहले पढ़ लिया था कि कोई भी लफ्ज़ नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन होता है. इसके बड़े सारे यूजेज है यार. ठीक है, एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर मुझे प्लीज जल्दी बताइएगा, फिर हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं इंशाल्लाह. आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं. ठीक है सर, सर ये समझ आ गया सर. लेकिन जो आपने कहा था ऊपर सर, इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ सर, तो फिर ये नीचे तो एनिमल्स वगैरह हो रही है, तो लाइफ में बिल्कुल ऐसी बात है. मेरी बात सुन लीजिएगा. देखें, यहाँ पर जो विदाउट लाइफ की बात की है, वंडरफुल क्वेश्चन यार, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे. ठीक है, देखें, ये जो विदाउट लाइफ वाली बात है ना, यानी इट जो है ना, सिंपल बात सुन लो, इट किसी ह्यूमन के लिए इस्तेमाल नहीं होता. लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो तो ह्यूमन ही होते हैं. उनमें कंडीशन ये है कि जब तक आपको उनके जेंडर की क्लैरिटी ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, उस सूरत हाल में आप इसके लिए इट इस्तेमाल करते हो. बाकी जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स है या बर्ड्स है, ह्यूमन में शामिल नहीं है. इसके लिए हम ग्रामेटिकली इट इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमंस के लिए हम या तो ही इस्तेमाल करते हैं या शी इस्तेमाल करते हैं.
जबकि यार आप जब भी आप ग्रामर की बुक देखें यार, जो हम स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं वहां पर उन्होंने जो है ना ही शी जानवर के लिए और बर्ड्स के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं, वो भी एक लिहाज से ठीक है, उस पर हम बात करेंगे, दोबारा बात करेंगे, क्लियर। लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स के लिए हमेशा इट इस्तेमाल आता है। यस सर, थैंक्स सर, थैंक्स सर, बहुत शुक्रिया। आगे जाऊं? यस यस सर, चलो ओके सर। किसी के मैसेज आ रहे हैं, एक मिनट मैसेज पढ़ लेता हूं। ओके वंडरफुल यार, वंडरफुल, थैंक यू माय डियर। ओके अब देखिएगा यार, यू माइट बी थिंकिंग कि मैं अब तो प्रोनाउन को मुश्किल से मुश्किल बनाता जा रहा हूं, लेकिन यार मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सेट कर रहा हूं। अब देखिएगा, आपने प्रोनाउन तो पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, जो मैंने आपको पहली बात बताई ना कि प्रोनाउन को गौर से सुन लीजिएगा, इसके तीन यूजेज होते हैं, एक सब्जेक्टिव यूज है, एक ऑब्जेक्टिव यूज है और एक पोजेसिव यूज है। फिर मैंने आपको ये बात बताई कि पोजेसिव यूज जो है वो किस चीज को शो करता है, पोजेशन को, ऑनरशिप को, किसी चीज पर आपकी मिल्कियत। मसलन मैं आपको वापस ले जाऊं, यहां पर देखिएगा इस ग्रीन फॉर्म को, यानी द पोजेसिव फॉर्म मैंने हाईलाइट कर दिया, माय माइंड और योर्स योर्स एक्सेट्रा, क्लियर। इसको अब देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, बहुत आसान यार, बहुत आई मीन इजी है, ठीक है। अब देखिएगा, When the word self, आपने लफ्ज सेल्फ का तो सुना होगा ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह के अल्फाज हम यूज करते रहते हैं, क्लियर। When the word self is added, अगर ये सेल्फ का लफ्ज जो है आप इसको एड करते हो किसके साथ, या तो माई के साथ, योर के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, इट के साथ, या इस सेल्फ का जो प्लूरल है वो सेल्फ होता है, इसको आप एड करते हो और के साथ, योर के साथ, क्लियर, एंड देम और देम के साथ, वी गेट द वर्ड्स, तो फिर हमारे पास कौन से अल्फाज बन जाते हैं, माई सेल्फ बन जाता है, योर सेल्फ बन जाता है, हिम सेल्फ बन जाता है, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ऑल सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये हमारे पास अल्फाज बन जाते हैं, क्लियर। जब आपने सेल्फ को माई के साथ लगा लिया तो माई सेल्फ बन गया, योर के साथ लगा लिया तो योर सेल्फ बन गया, हिम के साथ लगा लिया हिम सेल्फ बन गया, हर के साथ लगा लिया हर सेल्फ बन गया, इट के साथ लगा के इट सेल्फ बन जाता है, और प्लूरल है तो उसके साथ सेल्व्स लगेगा, और सेल्व बन गया, योर सेल्व बन गया, देम सेल्व बन गया, ये तुम्हारे पास ये अल्फाज बन गए जो रेड कलर मैंने अंडरलाइन किए हुए, दीज आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इन लफ्जों को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, वी कॉल दीज वर्ड्स कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यस, समझ आ रही है आप लोगों को बात, बहुत गौर से सुनना यार, आगे बहुत डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, बहुत लव्स वही है, उसका यूज जो है डिफरेंट हो जाएगा, लव्स वही होगा, यूज डिफरेंट हो गया, नाम भी डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर। लेकिन ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, दे आर कॉल्ड द कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। सेल्फ भी लिखेगा और सेल्स भी, सॉरी योर, हाँ यस यस मैं समझ गया, योर के सर, यस एग्जैक्टली, ये जो योर का लफ्ज है ना, योर का लफ्ज, ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब आप किसी प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हो फिर तो योर सेल्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, योर सेल्स, यानी आप सबके, समझ आ गया आपका। लेकिन अगर आप सिंगुलर के इस्तेमाल करते हो, आपके सामने दोस्त खड़ा है और आपसे कहते हो ये आपका है, तो जब सिंगुलर इस्तेमाल करोगे तो योर सेल्फ लिखोगे, प्लूरल इस्तेमाल करोगे तो योर सेल्फ लिखोगे, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अब देखिएगा अनदर टर्म जो है, एक है रिफ्लेक्सिव है और एक है एम्फेटिक प्रोनाउन है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एक दूसरा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। बहुत आसान है यार, लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात समझिएगा, ये आप कॉमन सेंस यूज करोगे तब जाकर तुम्हारे समझ में चीजें आएगी, अदरवाइज जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्लियर। मैं इस एक मिनट ये लाइन इसकी सेट कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है।
यानी गौर से आपने इसको देखना है, साथ साथ आप पढ़ते जाइएगा ये सेंटेंसेस, आई मीन लुक एट दिस एग्जांपल, आप इन एग्जांपल्स को प्लीज एक दफा पढ़ते जाइएगा, मैं इसको अपने अपने जगह पर ये अल्फाज सारे ले जाऊं, ठीक है, और एंड देन यू विल सी इंशाल्लाह आप परेशानी वाली बात नहीं होगी। यस, अब देखिएगा अगर मैं कहता हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, गौर से देखना याद, गौर से, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस जिसका तेज है, तेज तो फिर सबका होता है, सबको खुदा ने जाना दी हुई है, ठीक है, जिसने कॉमन सेंस यूज किया उसको समझ आ गई, ठीक है, मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, क्लियर, मैं इसको थोड़ी देर के लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्लियर। अब देखिएगा अगर मैं कहता हूँ लुक एट दिस एग्जांपल, हर सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, और से देखना यार, अगर मैं कहता हूँ आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ाता हूँ, मैं खुद को पढ़ाता हूँ, इसी सेंटेंस में सोच लीजिएगा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो आई है और ऑब्जेक्ट जो है वो भी आई है, यानी सब्जेक्ट भी मैं हूं और ऑब्जेक्ट भी मैं हूं, समझ आ गया आप, इसका मतलब मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ, यानी आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद को पढ़ा रहा हूं, और ये जो माई सेल्फ है ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है, यस है, ऐसा है कि नहीं है। इसके बाद देखिएगा यू हेल्प योर सेल्फ, सेल्फ आप अपने आप की मदद करते हो, क्लियर है, योर सेल्फ क्या है, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है, ही गाइड्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को गाइड करता है, ये क्या है, ये हिमसेल्फ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं, शी टीच हरसेल्फ, क्लियर, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, दे बीट देमसेल्फ्स, वो खुद को मारते हैं, समझ आ गया अखबार, ठीक है, देमसेल्फ्स क्या है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, वी एडवाइज और सेल्फ्स, हम अपने आप को नसीहत देते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है, और सेल्फ्स क्या है, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं, सो लुक एट दीज सेंटेंसेस, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, और सेल्फ्स, ये सारे क्या है, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन सेंटेंस में कहां पर इस्तेमाल हुए, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल, सेंटेंस में कहां पर इस्तेमाल हुए, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए, इन दीज सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, और अगर इन सेंटेंसेस को आप गौर से देखें तो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी है, मसलन यहां पर सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट भी माई सेल्फ है, यू सब्जेक्ट है तो योर सेल्फ ऑब्जेक्ट है, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, दे देमसेल्फ, वी औरसेल्फ, clear, therefore myself, himself, yourself, herself, themselves and ourselves are called reflexive pronoun, इसको हम क्या कहते हैं, reflexive pronoun कहते हैं, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है, reflexive pronoun are used as object of the sentence, reflexive pronoun जो होते हैं ये sentence में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, object के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मेरी बात आपको I hope कि समझ आ रही होगी, आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही, मुश्किल है, बोले यार जी, जी सर समझ आ रहा है कुछ कुछ जवाब दे दिया करो यार, मैं भी जो है ना इस वक्त जाना इस चीज के मूड में होता हूँ कि कोई तो बोले और गपशप हो जाए, ठीक है, लेकिन ये योरसेल्फ का भी आप एक एग्जांपल दे देंगे सर, योरसेल्फ का, जी सर योरसेल्फ का जो, अच्छा योरसेल्फ का तो एग्जांपल दिया हुआ है, जो प्लूरल की बात कर रहे हो, योरसेल्फ्स की बात कर रहे हो, जी जी सर, जी सर, एक ही बात है, अगर यहाँ पर देखें ये एग्जांपल नंबर टू में मैंने योरसेल्फ लगाया हुआ है, आप इसको प्लूरल भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको प्लूरल करता हूँ, यू आर एस ई एल वी एस, यू टीच, यू हेल्प योरसेल्फ, यानी इसका मतलब यह है कि अब आपके माइंड में प्लूरल की बात, यानी आप सब अपने आप की खुद ही मदद करते हो, समझ आ गया आपको, ठीक है, जब आप इसको सिंगुलर यूज करोगे तो योर सेल्फ इस्तेमाल होगा, और अगर प्लूरल इस्तेमाल करोगे तो योर सेल्फ इस्तेमाल, क्लियर, अब देखिएगा अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आप इसको एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज यही अल्फाज है, मैंने किसी और तरीके से इस्तेमाल करने हैं, वहां पर नाम ही चेंज हो जाएगा और बात यही होगी, क्लियर है, सिर्फ पहचान की बात है, एक दफा प्लीज आप रिवाइज कीजिएगा, एंड देन वी गो टू आई मीन अनदर स्लाइड, बात यही होगी, अल्फाज यही होंगे, लेकिन समझ आ गया आपको, ठीक है, आई मीन नाम चेंज हो जाएगा सिर्फ,
यहाँ पर देखिएगा मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल लिखे हुए, मोर एग्जाम्पल ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये देखो मैं इसको चलो रेड कर लेता हूँ। मोर एग्जाम्पल्स की बात अगर आप देखिए, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यू हर्ट यूर सेल्स, तुम आप सबने खुद को खुद ही वो किया हुआ है, जख्मी किया हुआ है। वी एडवाइज आवर सेल्स, दे बी देम सेल्स, इट ब्लोज इट सेल्फ, खुद ही तो हवा चल रही है। आगे आपको बात समझ में क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, आई मीन इस तरीके से हम जो है ना किसी सेंटेंस को जो है यानी किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज करते रहते हैं। यस प्लीज एक दफा पढ़ लीजिएगा एंड देन वी गो टू अनदर स्लाइड। वो भी यही बात होगी, बस नाम चेंज होगा सर। यस प्लीज एक दफा पढ़ ले। आगे जाऊं? यस सर। जस्ट अ मिनट। यस सर डन। ओके थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है हसन मैं, थैंक यू वेरी मच यार। ठीक है अब देखिएगा, अगर आप कहते हो कि मैं आगे जाऊं तो फिर मैं आगे जाता हूं। ठीक है देखिएगा जरा, मैंने यहां पर दो बातें की है कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। आपको पता है एम्फेटिक क्या होता है? हम नॉर्मली ऑफिस में कहते हैं यार एम्फसाइज करना। एम्फसाइज करना किसे कहते हैं? किसी बात पर इसरार करना, किसी बात पर जोर डालना, समझ आ गया? स्ट्रेस लेना, हम नॉर्मली कहते हैं यार इस पर स्ट्रेस ना दे, इस चीज पर एम्फसाइज ना करें। यानी बार बार एम्फसाइज करने का मतलब यह है बार बार कहना किसी बात पर, आई मीन इसरार करना। अब देखिएगा कि हम किस बात पर कैसे इसरार करते हैं, देखिएगा जरा लुक। ठीक है आई मीन एम्फेटिक मीन टू एम्फसाइज, समझ आ गए? एम्फसाइज प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। लुक एट दिस एग्जांपल, अगर आप इन एग्जांपल्स को देखते हो बड़े गौर से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है अगर मैं कहता हूं, एक मिनट में इसको अपनी अपनी जगह पर ले जाऊं। यस और ये इट है जी, प्लीज आपको एडमिट करते हैं। ठीक है माई सेल्फ जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आई माई सेल्फ, ये सा जो है वर्ब है, हेम जो है ऑब्जेक्ट है, डूइंग दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है he will complete जो है ये तो चले जाए। ठीक है ये the project जो है ये क्या है, ये verb object है। ठीक है he himself admitted जो है वो क्या है, verb है, the themselves admitted दिख रहा। अब देखिएगा बहुत common sense use करना है, clear? अब देखिएगा मेरी बात बहुत सुन लीजिएगा। emphatic किसे कहते हैं? emphasize करना, इसरार करना, बार बार कहना, समझ आ गया आपको? ठीक है किसी चीज पर आमीन, ठीक है इसरार करना, क्लियर? अगर मैं कहता हूं देखिएगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर? अगर मैं कहता हूं आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा माई सेल्फ, खुद ही करूंगा। सिंपल मैं आपसे आपको उर्दू में एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और आप आते हो मुझे कहते सर मैं आपकी मदद कर दूं, और मैं आपको इस तरीके से जवाब देता हूं मैं खुद ही कर सकता, मैं खुद ही कर लूंगा, समझ आ गए? इट मींस कि मैं किसी बात पर क्या कर रहा हूं, एम्फसाइज कर रहा हूं, क्लियर? आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही करूंगा, समझ आ गया आपको बात? ठीक है अब देखिएगा आई माई सेल्फ सॉ हिम डूइंग दिस वर्क, अगर आप किसी के बारे में गवाही देते हो, ठीक है, और आपसे कोई पूछता है यार तुम्हें कैसे पता चला, इसके बाद आप कहते हो कि मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने खुद ही तो देखा है डूइंग दिस वर्क, यानी मैंने खुद ही उसको ये काम करते हुए देखा है, यानी स्ट्रेस दे रहे हो किसी बात, क्लियर? हम नाम कहते हैं वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट और सेल्फ, अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट है और मैं कहता हूँ यार मैं कोई सजेशन आइडियाज वगैरह दे दू, मैं आपकी मदद कर दू, और आप कहते हो हम खुद ही कंप्लीट कर देंगे, आप ना करें, समझ आ गया? ठीक है अब देखें हिमसेल्फ एडमिटेड द फॉल्ट, आपने किसी को सजा दी है, ठीक है, और मैं कहता हूँ यार तुमने उसे सजा क्यों दी है, उसकी उनका कसूर क्या है? आप खुद कहते हो ही हिमसेल्फ एडमिटेड द फॉल्ट, खुद ही तो उन्होंने जो है ना गलती मान ली है, समझ आ गया आपकी बात? ठीक है शी हरसेल्फ ब्रोक द कप, यानी ये कप उन्होंने खुद ही तो तोड़ डाला, ठीक है दे देमसेल्फ एडमिटेड द क्राइम, उन्होंने खुद ही तो क्राइम को जुर्म को मान लिया। सो यहां पर आप देखिए रेड कलर जो मैंने, वही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, वही कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, जो मैंने क्या कर दिया है, फॉर एग्जांपल
ऐसे अंदाज में यूज कर दिए कि ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस कर रहे हैं किसी चीज पर, जो है ना इसरार शो कर रहे हैं, क्लियर। इस वजह से किसी भी पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन के इस किस्म के इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। In all these sentences, the compound personal pronoun are used to show emphasis. Therefore, they are called the emphatic pronoun. आप simply भी ये कह सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये के जब reflexive pronoun के तौर पर ये इस्तेमाल होते हैं तो ये sentence में object के तौर पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं, object के तौर पर। लेकिन जब emphatic pronoun के तौर पर ये use होते हैं तो ये sentence में कहीं पर भी आ सकते हैं। ये देखो, ये सब्जेक्ट के बाद माइसेल्फ, यहाँ पर सब्जेक्ट के फौरन बाद आ रहा है, पहले सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, यहाँ पर भी आखिर में आ रहा है, यहाँ पर भी इधर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, क्लियर। सिंपली आप ये समझिएगा कि जब भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, जब वो किसी सेंटेंस में, जब वो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस में किसी बात पर एम्फेसिस करने के लिए, किसी बात पर इसरार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यस, क्लियर हो गया आपको बात? जी प्लीज बोलिएगा। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। यार 5 बज गए, अगर आप सब माइंड नहीं करते हैं तो हम जो है ना कोई 10 मिनट तक कोई नमाज के लिए ब्रेक ले लेते हैं। असर की नमाज का टाइम हो गया है, ठीक है, तो मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करूंगा 5:10। आप कोई दोबारा रीड आउट करना चाहते हो तो आप रीड आउट करते जाइएगा, ठीक है। और यह है कि नमाज पहले पढ़ ले इंशाल्लाह, ठीक है, इसके बाद हम दोबारा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच आमिर अली खान साहब, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे 5:10 पे दोबारा मेरी मुलाकात होती है और इंशाल्लाह आपको यही चीजें जो है ना दोबारा समझाऊंगा, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। जी सर, वालेकुम सलाम सर। देखिए, हमने यानी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ लिया, ऐसी बात है, आपको इंशाल्लाह समझ आ चुके होंगे। इसके बाद देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत गौर से देखना यार, बहुत ही जो है ना गौर से देखना, इतनी बारीकी वाली बात आएगी ना, इतनी बारीकी वाली बात क्या आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, मैंने पहली बात आपको बताई ना कि the word which is used instead of a noun is called pronoun। ये बात मैंने आपको बताई कि जो लफ्ज किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। ऐसी बात है कि नहीं है, क्लियर हो गया आपको? एक तो ये बात है। अब आप गौर से इन सेंटेंसेस को देखिएगा, लुक एट दीज एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है जिसमें सेंटेंस नंबर 1 है और सेंटेंस नंबर 2 है। अगर मैं कहता हूं आई मेट सलीम, मैं सलीम से मिला, सलीम हैड जस्ट रिटर्न्ड, सलीम अभी अभी ऑफिस आया, यानी अभी अभी वापस आया था, इन दो सेंटेंसेस है। आई मेट सलीम, मैं सलीम से मिला, सलीम हैड जस्ट रिटर्न्ड, सलीम अभी अभी वापस आए थे। ये देखो दो सेंटेंसेस है, अरे आपको बात समझ में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसी इन्हीं दो सेंटेंसेस को मैंने ज्वाइन कर दिया है। I met Salim who had just returned। मैं सलीम से मिला जो अभी अभी वापस आए थे। क्लियर? इन्हीं सेंटेंस नंबर 1 में और नंबर 2 में मैंने दो जगह सलीम इस्तेमाल किया है। लेकिन जब मैंने दूसरा सेंटेंस बना लिया, आई मेट सलीम, मैं सलीम से मिला, हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी अभी वापस आए थे, यानी मैंने यहां पर सलीम की जगह हु लगा ली। Clear? The word who has been used instead of the noun Salim. It is therefore called the pronoun. तो ये pronoun हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ रही है आपको बात? मैंने आपको पहली बात बताई ना कि pronoun वो word होता है जो किसी noun की जगह इस्तेमाल हो जाए। आ गई आपको बात समझ में? Clear है? यानी I met Salim, मैं सलीम से मिला, सलीम had just returned, सलीम अभी अभी वापस आया था।
क्लियर है? यानी इसके बाद दूसरे सेंटेंस में आई मेट सलीम हु हैड जस्ट रिटर्न, मैं सलीम से मिला जो अभी अभी वापस आए थे, यानी मैंने हु को सलीम की जगह इस्तेमाल किया। तो जो भी कोई लफ्ज किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए तो प्रोनाउन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो लफ्ज हु है जिसने दोनों सेंटेंसेस को मिला लिया है ये प्रोनाउन है। क्यों? ये किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ। क्लियर? लेकिन एक और पॉइंट देख लीजिएगा, द वर्ड हु इज ऑल्सो ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस, लेकिन ये जो लफ्ज हु है ये दो सेंटेंसेस को भी मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है। कौन से दो सेंटेंसेस? आई मेट सलीम, सलीम हैड जस्ट रिटर्न्ड, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड कंजंक्शन। फिर तो हम इसको कंजंक्शन भी कह सकते हैं। यानी इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टर्म है कंजंक्शन जिसे कहते हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? दोज वर्ड्स हु जॉइंस टू सेंटेंसेस, यानी वो अल्फाज जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर? देयरफॉर वी कैन कॉल द वर्ड्स हु इज कंजंक्टिव प्रोनाउन। इस वजह से हम इसको कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। क्यों? कि एक लिहाज से तो ये कंजंक्शन है बिकॉज दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, दूसरे लिहाज से ये प्रोनाउन है बिकॉज ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से हमने कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों को मिला के कंजंक्टिव प्रोनाउन का लफ्ज दे दिया। लेकिन ग्रामेटिकली इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ग्रामेटिकली ये लफ्ज हु है ये क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इट रेफर्स टू द नाउन used before it, ये उस noun को refer कर रहा है, ये उस noun की तरफ इशारा दे रहा है जिससे पहले use हो चुका है। मेरी बात समझ आ गए? Clear हो रही है आपको बात? ठीक है, यानी ये पहले example थे जिसमें मैंने who का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। I hope कि आपको समझ आ चुके होंगे। Clear है? Another example देखिएगा। अगर मैं एक और example आपको देता हूँ, ये दो sentences है, फिर मैंने दो sentences बनाए। I have found the pen, मुझे पेन मिल चुका है। I had lost the pen, मुझसे पेन खो गया था, यानी मैं पेन खो चुका था। क्लियर हो गया आपको बात? अगर ये दो सेंटेंसेस आप देखते हो, I have found the pen, मुझे पेन मिल चुका है। I had lost the pen, मुझसे पेन जो है खो गया था। ये दो सेंटेंसेस है। अब मैं दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करता हूँ। अगर मैं कहता हूं आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल चुका है जो मैं खो चुका था। अब देखिएगा यहां पर मैंने विच को इस्तेमाल कर लिया किसकी जगह? पेन की जगह। समझ आ गया आपको बात? ठीक है। सो द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन पेन, यानी ये लफ्ज पेन की जगह इस्तेमाल हुआ है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड प्रोनाउन, फिर तो हम इसको प्रोनाउन कह सकते हैं। चूंकि कोई भी लफ्ज जब नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसको प्रोनाउन कहते हैं। एंड द वर्ड विच इज ऑल्सो ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस, और ये वर्ड जो है विच ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है। यहां पर देखिएगा इसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक बना लिया। इट इज देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शन, हम इसको कंजंक्शन भी कहते हैं। सो वी कैन कॉल द वर्ड विच एज कंजंक्टिव प्रोनाउन। क्लियर हो गए? इस वजह से इस लफ्ज विच को हम कंजंक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ग्रामेटिकली इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ग्रामेटिकली हम इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ग्रामेटिकली हम इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आ गई आपको बात समझ में? यस, लुक इट अनदर एग्जांपल। आई होप कि आपको इंशाल्लाह समझ आ चुकी होगी, लेकिन मैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सही तरीके से समझ आ सके। ठीक है, लुक इट सेंटेंस नंबर वन एंड सेंटेंस नंबर टू। ये दो सेंटेंसेस है। अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इफ आई से हियर इज द बुक, ये वो किताब है। यू लेंट मी द बुक, आपने मुझे किताब दी थी, आपने मुझे किताब उधार दी थी। हियर इज द बुक, ये किताब है। यू लेंट मी द बुक, आपने मुझे किताब उधार दी थी। ये देखिए, मैं इन दोनों सेंटेंसेस को, ये देखो सेंटेंस वन एंड टू को मैं अब ज्वाइन कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं हियर इज द बुक That you lent me, ये वो किताब है जो आपने मुझे दी थी, ये वो किताब है जो आपने मुझे दी थी। The word that has been used instead of the noun book, यानी ये जो that का लफ्ज है ये noun book की वजह से इस्तेमाल हुआ है।
It is therefore called pronoun. हम इसे क्या कहते हैं? हम इसको pronoun भी कहते हैं. And the word that is also joining the two sentences, it is therefore also called conjunction. Clear? लेकिन as a whole हम इसे क्या कहते हैं? हम इसको I mean relative pronoun कहते हैं. Please एक मिनट के लिए समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर हो रही है आपको बात? बोले तो मुश्किल चीज है सर. यस समझ आ गए? ओके अब देखिएगा. ठीक है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन थे. ये क्या थे? रिलेटिव प्रोनाउन थे. एक दफा फिर देख लीजिएगा, इसलिए कि मैंने आगे जाकर हु विच और दैट का अलग अलग इस्तेमाल किया हुआ है. ये बहुत यानी बारीक कह दो, समझ आ गया अखबार? ठीक है, मुश्किल आप अपने लिए इसको कह दो, कुछ भी आप बेशक इसको कह सकते हो, लेकिन ये है कि इसका इस्तेमाल जो है ठीक है बहुत जरूरी है. ठीक है, और आपको समझ भी आना चाहिए. रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो अपने से आने वाले पहले नाउन को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं. अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिएगा सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू. I met Salim. Salim had just returned. मैं सलीम से मिला, जो सलीम अभी वापस आए थे. ये देखो ये दो sentences हैं. अगर मैं इसको join करता हूँ, एक sentence बनाता हूँ. I met Salim who had just returned. मैं सलीम से मिला जो कि अभी अभी वापस आए थे. Clear? The word who has been used instead of the noun Salim. It is therefore called pronoun. तो हम इसको pronoun कहते हैं. क्योंकि हमने प्रोनाउन की जगह यूज किया, इस वजह से हम इसको प्रोनाउन कह सकते हैं. एंड द वर्ड हु इज आल्सो जॉइनिंग टू सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस को भी जॉइन करता है. इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड कंजंक्शन. हम इसको कंजंक्शन भी कह सकते हैं. सो वी कैन कॉल द वर्ड हु एज ए कंजंक्टिव प्रोनाउन. लेकिन ग्रामेटिकली हम इसे क्या कहते हैं? हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. क्लियर? अनदर एग्जांपल को देखिएगा. अगर मैं कहता हूं सेंटेंस वन सेंटेंस टू, I have found the pen. मुझे पेन मिल गया. I had lost the pen. मुझसे पेन खो गया था. Clear हो गया आपको? I mean दोनों sentences को join करता हूँ. I have found the pen which I had lost. मुझे वो पेन मिल गया है जो मुझसे खो गया था. यानी with जो है मैंने किसकी जगह इस्तेमाल कर दिया? पेन की जगह इस्तेमाल कर दिया, जो कि noun है. इस लिहाज से तो ये pronoun कहलाता है. लेकिन विच दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर रहा है, इस लिहाज से तो इसको फिर कंजंक्शन कहेंगे. दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? कंजंक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. लेकिन ग्रामेटिकली इस विच के लफ्ज को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे. क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, अनदर एग्जांपल को देखिएगा. सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू. हियर इज द बुक, ये किताब है. यू लेंट मी द बुक, जो आपने मुझे दी थी. समझ आ रही है आपको? ठीक है, हियर इज द बुक, ये वो किताब है. यू लेंड मी द बुक, आपने मुझे किताब दी थी. अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाता हूँ, हियर इज द बुक दैट यू लेंड मी, ये वो किताब है जो आपने मुझे दी थी. द वर्ड दैट, ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ? बुक की जगह. नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ, फिर तो प्रोनाउन हुआ. दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है तो कंजंक्शन हुआ. ये प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों लफ्जों को मिलाते हैं तो कंजंक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा. लेकिन ग्रामेटिकली इस दैट क्लास को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे. क्लियर हो गया आपको? प्लीज आप दो मिनट के लिए इसको रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम एक अच्छे बेहतरीन किस्म के टॉपिक की तरफ जाते हैं. इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आएंगे.
जी प्लीज, समझ आ गए आपको? आगे जाऊं? चलो चलते हैं, इंशाल्लाह अभी आपको ये वाले टॉपिक भी आसानी के साथ इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं हम कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है, हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, और कैसे यूज करेंगे अभी देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, यूजेस ऑफ द हु, हूज एंड विच। हम इन रिलेटिव प्रोनाउन को हु है, हूज है, विच है, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्लियर, कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एग्जामिनर यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर लेता है, कभी एक नंबर के लिए, कभी दो नंबर के लिए, कभी तीन नंबर के लिए, अलग से हु, हूज और विच तीनों के से जो है ना वो क्या करते हैं, एक एक जो है ना नंबर के लिए क्वेश्चन ले आता है। नंबर वन, हु इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल पर्संस ओनली। ये जो हु है ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, यानी सिंगुलर और प्लूरल पर्संस के लिए इस्तेमाल होता है। हु इस्तेमाल होते हैं पर्सन, यानी लिविंग थिंग्स के लिए, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यानी हु इस्तेमाल होता है किसके लिए, यानी सिंगुलर बनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस के लिए। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं इसे इन एग्जांपल्स को पढ़ता हूं, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यानी द मैन हु इज ऑनेस्ट, यानी वो इंसान जो कि ऑनेस्ट होता है इज ट्रस्टेड, उस पर एतबार भी किया जाता है। अब देखो, द मैन हु इज ऑनेस्ट, यहां पर ये जो हु है ये इस मैन को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गया आपको? आई फॉलो द टीचर हु टीच वेल, मैं उस टीचर को फॉलो करता हूं जो अच्छे पढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? यहां पर हु किसको रेफर करता है, टीचर को। आई सॉ द मैन हु हेल्प, हु हैड हेल्प मी, मैंने उस आदमी को देखा जिसने मेरी मदद की थी। क्लियर है? हु किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मैन को रिप्रेजेंट कर रहे। आई टीच अ स्टूडेंट हु फॉलो मी, follows me, मैं उस तालिबे इल्म को पढ़ाता हूँ जो मुझे फॉलो भी करता हो। क्लियर? यू कैन नेवर सी सच मैन, आपको ऐसे इंसान कभी भी नजर नहीं आ सकते हु कैन टीच एनिमल्स आल्सो, जो जानवर को भी पढ़ा सकते हैं। दे नेवर फेल हु डाई फॉर ए ग्रेट कॉज, इन्हें कहते हैं कि वो लोग कभी भी नाकाम नहीं होते हैं जो एक मकसद को लेकर जीते। I teach students who follow me, मैं उन teacher students को पढ़ाता हूँ जो मुझे follow करते हैं। Clear? अब आप देखिएगा, इन example से आपको पता चल रहा होगा कि जो लफ्ज who है ये अपने से आने वाले पहले noun को, मतलब देखो who, इससे पहले noun आया हुआ है man, और man क्या है, living things, इंसान है। यहाँ पर देखिएगा, I follow the teacher who, ये देखो who से पहले teacher ये noun आया हुआ है, और क्या है, इंसान है। I saw the man who had helped me, यहाँ पर who का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो इस मैन के लिए इस्तेमाल होता है। I teach a student who, यहाँ पर who का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है जो इस student को रिप्रेजेंट करता है। So इन सब examples में आप देख लीजिएगा who इस्तेमाल होता है singular के लिए भी, plural के लिए भी, लेकिन सिर्फ human being, human beings के लिए। आ रही है आपको बात समझ में? क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, अब देखिएगा, यानी ये तो हु का इस्तेमाल था। उसके बाद है हुज इज द पजेसिव फॉर्म ऑफ हु, ये जो हुज जो है लफ्ज है ये हु का पजेसिव फॉर्म है। और आपको पता है पजेसिव हम कहां इस्तेमाल करते थे, हम पजेसिव इस्तेमाल करते हैं ऑनरशिप के लिए, मिल्कियत के लिए। जब भी आप किसी बात की मिल्कियत शो करते हो तो उस सूरत हाल में हम हुज इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर पर्संस, एनिमल्स एंड थिंग्स, ये तीनों चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पर्संस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है, और थिंग्स के लिए। समझ आ रही है आपको? एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं कहता हूं द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज अ ब्लेस, यानी कहते हैं कि द सन, सूरज, हुज रेज, जिसकी शुआएं। अब देखो हुज रेज, यानी यहाँ पोजेशन इस्तेमाल शो हो रही है, मिल्कियत किसकी शो है, सूरज की। और सूरज क्या है, ये सिर्फ एक चीज है, विजान चीज। द स्टोन हुज कलर्स, द स्टोन हुज कलर्स आर ब्यूटीफुल इज प्रेशियस, यानी वो पत्थर जिनके कलर खूबसूरत होते वो कीमती होते हैं। यहाँ पर देखो हुज
यानी ये स्टोन्स की बात कर रहे हैं. दिस इज द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज ट्रबल्ड मी. कहते दिस इज द क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है हुज सॉल्यूशन हैज ट्रबल्ड मी, जिसके हल ने मुझे परेशान किया हुआ है. यहां पर हुज किस चीज को शो करते हैं, पोजेशन को. ये क्वेश्चन की पोजेशन है. दीज आर द टीचर हुज हार्ड वर्क गिव सक्सेस. ठीक है, हुज हार्ड वर्क. ठीक है, ये कहते दीज आर द टीचर, ये वो टीचर है हुज हार्ड वर्क गिव सक्सेस, जिनकी सख्त मेहनत जो है गिव सक्सेस यानी कामयाबी देते हैं टू द नेशन. The cows are the animals whose milk is tasty. Clear हो गया आपका. The birds whose chirping is lovely or liked. वो परिंदे जिनका चहचहाना अच्छा होता है उनको पसंद भी किया जाता है. यानी इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि whose किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पोजेसिव फॉर्म है, मिल्कियत को शो करता है, होगा. आ गई आपको बात समझ में. और इसके बाद जो हुज का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है पर्सन्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी. समझ आ रही है आपको बात, क्लियर है. इसके बाद है द लफ्ज विच इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ. विच इस्तेमाल होता है बेजान चीजों के लिए, एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए भी. It is used for both singular and plural. ये दोनों सूरत हाल, singular plural दोनों में इस्तेमाल होता है. अगर मैं कहता हूँ the, कहते हैं for example देखिएगा, यार एक मिनट इसकी यार alignment ठीक नहीं हुई है यार, इसको मैं जाना. Yes, ठीक है. ये कहते हैं for example देखिएगा, the moment which is lost forever. जो लम्हा गुजर जाता है वो हमेशा के लिए गुजर जाता है. अब देखो द मोमेंट, लम्हा, ये बेजान चीज है. इसके लिए मैंने लफ्ज विच इस्तेमाल किया. इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया, विच इस्तेमाल कर दिया. क्लियर हो गया. द ट्रीज विच गिव शेडो और लाइक, यानी वो दरख्त जो शेडो देते हैं, साया देते हैं, उनको पसंद किए जाते हैं. ट्रीज बेजान चीजों में शामिल है. ठीक है, अब देखिएगा फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, देखिए अनदर सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ The books which help you most are precious. वो किताबें जो ज्यादा आपकी मदद करते हैं वो बहुत कीमती होते हैं. Clear? And water which you drink is clear. पानी जो आप पीते हो बहुत साफ है. तो जहां पर बेजान चीज होते हैं या जानवर है या birds है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम for example उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यानी विच इस्तेमाल करते हैं. यानी द हॉर्स, यानी वो घोड़ा विच रन्स फास्ट, वो घोड़ा जो बहुत तेज दौड़ता है. ठीक है, विंस द रेस, वो रेस जीत जाता है. द पैरट विच यू हैव इज ब्यूटीफुल, वो तोता जो आपके पास है वो बहुत खूबसूरत है. आ गई आपको बात समझ में, क्लियर नहीं. यानी विच इस्तेमाल होता है किस लिए, थिंग्स विदाउट लाइफ जो बेजान चीजें होती है, एनिमल्स परिंद यानी जानवर, बर्ड्स परिंदे, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. क्लियर हो रही है. आप प्लीज एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको आगे लेगा, हम आगे जाते हैं कि आगे हमारे पास स्लाइड्स में क्या कुछ है इंशाल्लाह. आई होप कि आपको प्रोनाउन की समझ आ चुकी होगी. ये अब एक दफा दोबारा रीड आउट करोगे, ठीक है, इंशाल्लाह तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, और कोई सी चलो मुश्किल वाली बात नहीं होगी. जी प्लीज, आप क्या कहना चाहते हैं. ठीक है सर, पैरट तो बर्ड है. यस, ऐसी बात है ना, मैंने आपको बात बताई ना कि मसलन देखिएगा, ये जो विच है ये इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए भी, बेजान चीजों के लिए भी और बर्ड्स के लिए भी, तो इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, यस प्लीज देख ले. आप क्या कहते हो, यानी इसको आप ये कहना चाहते हो, दोबारा सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है the trees which give shadow or light. अगर यहाँ पे ह्यूमन होता है किसी का नाम आ जाता फिर. सॉरी, बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही है. मैं आपके क्वेश्चन को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर वो कीजिएगा चैट में लिख लीजिएगा.
यानी यहाँ पर ऐसा है कि देखो ट्रीज जो है साइंटिफिकली तो बेजान चीज नहीं है, साइंस में तो इसको जिंदा समझा जाता है, लेकिन लिटरेचर में इसके लिए कोई जिंदगी वाली बात नहीं है। इस वजह से जो है ना यहाँ पर हम इसके साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आई मीन विच इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं पढ़ता हूँ सर, अगर ह्यूमन यहाँ नेम आ जाए, हाँ ठीक है, मैं एक मिनट देखता हूँ, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस के साथ, हाँ यस समझ गया हूँ आपकी बात, ह्यूमंस के साथ जो है फॉर एग्जाम्पल यानी विच इस्तेमाल नहीं होता, विच इस्तेमाल होता है एनिमल्स बर्ड्स और विदाउट लाइफ थिंग्स जो होती है, ह्यूमंस के साथ सिर्फ हु इस्तेमाल होता है और हुज इस्तेमाल होता है। क्लियर जी प्लीज, आप एक दफा इसको दोबारा जो है ना रीड कीजिएगा सर, अगर ह्यूमन यहाँ नेम आज है एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए विच के साथ हम ह्यूमंस का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, समझे, द ट्रीज विच गिव शेडो आर लाइक, ठीक है, यानी वो दरख्त जो साया देते हैं उसको पसंद किया जाता है, तो यहाँ पर जी दोबारा सर नोट्स भी, हाँ मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, कल भी मैंने नहीं किए थे, ठीक है, मैं आज कर देता हूँ इंशाल्लाह, मैं सोच रहा था कि यार एक दफा लेक्चर कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, मैं आज अभी इस वक्त आपको इंशाल्लाह वो करता हूँ, अल्लाह के करम से मैं ट्राई करता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मैं इंशाल्लाह अभी आपको ये वो करता हूँ, ठीक है, एक दफा प्लीज रीड आउट कीजिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो हो जाएंगे समझ आ जाएंगे। वालेकुम सलाम, ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ना है यार, ठीक है, चूंकि वो आई एम सॉरी आप तक तो चुके होंगे, ठीक है, हमारे पास अभी वो है क्या कहते हैं टाइम, हमारे पास 20 मिनट रहते हैं, हम आगे नहीं पढ़ते हैं, इसी को आपने ये पढ़ लिया, ठीक है, मैं इसको दोबारा कहाँ आपको ले जाऊं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये यहाँ से आप जो है ना यानी द यूज ऑफ इट, बल्कि ये प्रोनाउन का स्टार्ट से है, प्लीज आप इसको रीड आउट करते जाइएगा और मुझे यस और नो में जवाब देते जाइएगा ताकि मैं स्लाइड को आगे पीछे कर सकूं। क्लियर हो गया आपकी बात, ठीक है, और जहां समझ ना आए तो प्लीज आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो अगर मैं आपको अभी आगे पढ़ाता हूँ ना तो वो एक और टॉपिक है और वो भी 20 मिनट में खत्म नहीं हो सकेगा और आपको शायद समझ भी ना आ सके और वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर, मैं भेज दूंगा, आप घर में पढ़ते रहिएगा, फिर हम इंशाल्लाह क्या करेंगे वो इसको दोबारा जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते रहेंगे। क्लियर, आप इसको प्लीज पढ़ते जाइएगा, उनके लिए मैं आपको जो देखता हूँ कि यार इसको जो है ना आपके साथ शेयर कैसे किया जा सकता है, हाई नेम्स इंस्टेंस शेयर कंप्यूटर साउंड, एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने विच पढ़ाया है इसमें एनिमल्स और बर्ड्स का समझ आई, ये विदाउट लाइफ के इसके एक दफा दोबारा समझा दे, विदाउट लाइफ, अच्छा अच्छा वो जो आखिरी हमने पढ़ लिया, ठीक है मैं आपको अब समझा, यस ये हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच पढ़ रहे हैं, जो आप में से कोई पूछ रहे थे ना, ये हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच, ये इस स्लाइड की बात कर रहे हैं, द यूजेस ऑफ हु हुज और विच, इस स्लाइड की बात कर रहे हो, यस सर, ये जो विच है ना इसमें जहाँ लिखा हुआ है विदाउट लाइफ इसके बारे में, हाँ देखिए ये आखिर में जो मैंने बनफ्शी कलर में लिखा हुआ है, विच इज यूज्ड, यानी विच इस्तेमाल होता है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, विच जो है यानी बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जहां बेजान चीजों की बात करोगे तो वहां पर आप विच इस्तेमाल करोगे, एनिमल्स की बात करोगे तो आप विच इस्तेमाल किया जाता है, बर्ड्स की बात करोगे तो आप विच इस्तेमाल करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ये देखिएगा और ये सिमिलर प्लूरल दोनों के साथ इस्तेमाल होगा, फॉर एग्जाम्पल द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉरएवर, जो लम्हा एक दफा गुजर जाए गुजर जाते हैं, देखिए द मोमेंट विच इज लॉस्ट, ये विच यहाँ पर किस को रेफर कर रहे हैं, इस मोमेंट को रेफर कर रहे, क्लियर, The trees which give shadows, ठीक है, ये देखो which किसको represent करते हैं, इस tree को represent करते हैं, जो कि बेजान चीज है, the books which help, ये which किसको represent कर रहे हैं, books को, यहाँ पर which जो है water को represent कर रहे हैं, यहाँ पर which horse को, यहाँ पर which parrot को, clear हुई, तो जहाँ पर I mean आप बेजान चीज की बात करते हो या animals birds की बात करते हो, ऐसी सूरत हाल में आप क्या इस्तेमाल करते हो, which इस्तेमाल करते हो, जी प्लीज एक दफा पढ़ लीजिएगा,
अब ये पढ़ ले, ठीक है? जस्ट ए मिनट यार, देखिए जो सीए की बुक है, सीए की जो बुक है, ठीक है, जो आईकेप से मिलती है, बाजार से तो नहीं मिलती, ये मैं वहां से टॉपिक लेता हूँ, लेकिन इस पर डिटेल में खुद लिखता हूँ, लेकिन डिटेल में खुद लिखता हूँ, इसलिए कि सीए की बुक में ये इतनी ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है, ठीक है? सो आप सीए की बुक बेशक लेना चाहते तो ले ले, समझ आ गया? जैसे पिफा वर्स ग्रुप में ये नोट सेंड मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है? व्हाट इज योर नेम, इसमें व्हाट, अच्छा सर व्हाट इज योर नेम, क्लियर? इसमें व्हाट प्रोनाउन है क्या? यस यस, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आप ये रिलेटिव प्रोनाउन को, योर भी प्रोनाउन है, ठीक है? अब देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन को, देखिए मैंने स्टार्ट पे ये फ्रंट पे रखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये आपको पता चल जाएगा। सर बिहेवियरल स्टडीज भी आप ही पढ़ेंगे सर? जी 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 इंशाल्लाह, बिल्कुल। हाँ ये देखिए, ये वर्ड्स आप लिख सकते हो, जब आप एब्रिविएट करते हो ना तो व्हाट इज की बजाय वर्ड्स लिखा जा सकते हैं, एक ही बात है। हम नॉर्मली स्पोकन में वर्ड्स योर नेम कहते होते हैं, ठीक है? ग्रामेटिकली भी ये ठीक है, एपोस्ट्रोफी की तरह ये यूज होता है, ठीक है? लेकिन वो एपोस्ट्रोफी होता नहीं, ये एब्रिविएशन होते हैं, ठीक है? यस, इसकी ये सारी बातें इंशाल्लाह आगे आएंगी, ठीक है? ओके सर, अच्छा थैंक यू वेरी मच यार, मैं समझ गया, ठीक है? ये सारी बातें आएंगी, लेकिन यार इंग्लिश ग्रामर है सो लॉन्ग यार, हर सेंटेंस में कोई ऐसी बात जरूर आती है जो अभी हमने पढ़ी नहीं होती है, आपने नोट करना होता है यार, ठीक है? यस, रिलेटिव प्रोनाउन को आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको जो है ना वो लेकर जाता हूँ। या आप लोग यार सब इतने लेट एंटर हो रहे हो, फिर आप जो है ना जो लेट एंट्री दे रहे हैं यार, आई एम सॉरी, आपको समझ तो नहीं आएंगे ये बातें, फिर जो है ना अभी देखिए क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है? एनी हाउ इट्स योर पर्सनल लाइफ, ठीक है? ये आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ ये जो है अभी अभी शेयर करता हूँ। आप ये जो ग्रुप बना हुआ है पिफा के नाम पे ग्रुप बना है, मेरे ख्याल में ये इसी पे अगर मैं शेयर करता हूँ तो ये शायद, जस्ट मिनट में देखता हूँ यार, ये मेरे शायद इसमें मैं शामिल हूँ कि नहीं। सर एक ग्रुप बेसिक इंग्लिश का भी बना हुआ है जिसमें आप एडमिन है, जो आप सेंड कर सकते होंगे। कौन सा बना हुआ है? बिजनेस इंग्लिश के नाम से, मैं देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ यार, अगर इसमें पिफा बिजनेस इंग्लिश यार, इसमें मैं क्या हूँ यार, मैं एडमिन तो नहीं मेरे ख्याल में, ये मैं आपको जो है ना सेंड करता हूँ मुख्तलिफ, ये मैं सर अली को सेंड करता हूँ ना, उसको मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको सर शेयर कर ले। आई डोंट नो मैं किस ग्रुप में हूँ, मैं सब में यार ये कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ये बात। फॉर्चुनेटली यार आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट ऑफ द मोबाइल एंड द कंप्यूटर सिस्टम्स, अंग्रेजी तो ठीक ठाक आती है मुझे, लेकिन इन चीजों में बहुत ही माड़ा हूँ यार, बड़े नहीं, हाँ जो भी है इन सब नसीबों की बात है।